राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एप्रिल प्लीज प्लीज बैठे, प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप, एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट, आप बैठिए, सही नहीं बैठिए, रहने दो आप, चलो आप बैठिए, बैठिए आप, प्लीज बैठिए आप, प्लीज आप बोल रहे, फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज मानी सुनिए, प्लीज प्लीज मानी सुनिए, प्लीज 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 देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ, आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की, दो लोगों की आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, माने सदस्य, इसलिए सुनते हैं। नो नो, एक गलत तरीका, माने सदस्य, माने देख लीजिए, अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए। आप ये पहले आप गलत तरीका आपका, माने सदस्य आपका गलत तरीका है, आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए, आप बात करिए लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण, रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण, वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था।
माननीय सदस्य है, आप संयमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय सदस्य, राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर।